इस्लाम ने साल मुकम्मल होने पर इस तरह खुशियां मनाने की हमें इजाज़त नहीं दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, 1.5 लाख सहाबा इकराम, किसी से बर्थडे का पता नहीं चलता। ईसाइयों से लेके हम मुसलमानों ने भी मनानी शुरू कर दी। आप बताइए कि एक आदमी को कहा जाए, मुझे ही क्यों कहता है, किसी और को नहीं कहते? बार दफ़ा लोग घबरा जाते हैं, किसी को कहना कि मौत तो सबको आनी है, तो चाहेगा कि ये अपनी तरफ ही मिसाल दे, हमें ना कहीं कह ले। सिर्फ कहा जाता ना कि भाई आपने भी मरना है, मैंने, वो आप वाली बात नहीं चाहता कि वो सुने। तो मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ, अगर मुझे कहा जाए कि तेरे 10 साल कुल बाकी हैं, अल्लाह ताला अपनी इताअत में रखे अगर 10 साल ही हों, तेरे 10 साल बाकी हैं, तो क्या मैं साल मुकम्मल करने पर मोमबत्तियाँ जलाऊँगा? आप ईमान से कहिए, जब मैं 10 साल में से 1 साल मुकम्मल कर लूँगा, मेरे कितने बाकी रह जाएंगे? 9। क्या मैं मोमबत्तियाँ जलाऊँगा? मुझे तो अपना आना पाना पड़ा हुआ होगा कि मैं क्या करूँ, बाकी 1 साल और कम हो गया। अगर किसी को अल्लाह ने 100 साल की ज़िंदगी भी देनी है, तो हर साल 1 साल कम हो जाता है। हमें अपनी आखिरत की सोचनी चाहिए, बजाय इसके कि मोमबत्तियाँ जलाएं कि हमने पूरा साल बदकारी में गुजार लिया, मोमबत्तियाँ किस शौक में हम जलाते हैं? और मोमबत्तियाँ जलाने वालों में से बहुत कम ऐसे होंगे जो सही मानों में किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। कुछ लोग 90 साल गुजर गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्र दी हुई है, 90 साल की उम्र में 90 मोमबत्तियाँ ना वो फूंक मारने से बुझने वाली हैं, उनके लिए तो कोई जेट तैयारे का पंखा चाहिए ना 90 मोमबत्तियाँ बुझाने के। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुसलमानों को हिदायत दे, इधर से उधर से कुछ भी आ जाए उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं। मेरे भाई 1 साल ख़त्म हुआ, खुशी किस बात की? अफसोस करें कि या अल्लाह हम तो पिछले साल में कुछ कर ही नहीं पाए, आइंदा साल के लिए अच्छा प्रोग्राम बनाएं। ताजर हर साल बजट तैयार करते हैं, हुकूमतें बजट तैयार करती हैं, पिछले साल क्या प्रोजेक्ट नहीं हो पाए, क्या हो पाए, हमें आइंदा साल क्या करना है। जिस तरह दुनियादारी बजट होता है, ऐसे ही हमें अपना भी बजट तैयार करना चाहिए। साल गुजरने के बाद, महीना गुजरने के बाद, हफ्ता गुजरने के बाद, और 1 दिन गुजरने के बाद, रात को अल्लाह वाले जब सोते हैं तो अपने ज़मीर को खोल कर अच्छी तरह देख कर सोते हैं कि हमारे पास क्या है। और ये अमल बज़ाहर बिल्कुल मामूली सा है, लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी एक आदमी दाखिल होगा जो अहले जन्नत में से है। आप अंदाज़ा करें कि ये कुछ छोटी सी बिशारत है, कुछ छोटी सी खुशखबरी है, कुछ छोटा सा सर्टिफिकेट है, अभी तुम्हारे पास एक आदमी आएगा जो अहले जन्नत में से। देखते देखते हर आदमी की तवज्जो है, देखें कौन आने वाला है, कौन आता है। आदमी दाखिल हुआ, सीधा साधा सा दरवेशमंद इंसान है, दाखिल हुआ, आया, बैठा, उठा, चला गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीब और आबिर सबील, उठे और उस आदमी के पीछे ही चल दिए। कोई बहाना बनाया, घर वालों के पास नहीं जाना चाहता, ये है वो है, उनके पास कह रहे हैं कि मैं चाचा आपके पास रुकना चाहता हूँ। रुके, 24 घंटे गुजर गए, रात हुई, देखा कि ये आदमी इशा की नमाज पढ़ता है, सो जाता है, और फजर के करीब उठता है, 11 रकते तहज्जुद पढ़ता है, फजर पढ़ता है, सारा दिन काम काज में मशगूल रहता है, फजर, जोहर, असर, मगरब और इशा 5 नमाजें पढ़ता है, कोई बड़ा काम ऐसा नहीं कर रहा। अल्लाह के नबी ने इतनी बड़ी बशारत दी कि यह अहले जन्नत में से है। दूसरा दिन देखा कि शायद आज शायद हमारे मेहमान होने की वजह से ये रात को कुछ नहीं कर पाए या दिन को कुछ नहीं कर पाए, हमारी मेज़बानी में मसरूफ़ रहे। अगला दिन देखा, वही कुछ है। तीसरा दिन देखा, वही कुछ। बिलाखिर कहते हैं, चचा जान, मैं घर वालों से नाराज़ नहीं हूँ, ना मुझे कोई मजबूरी थी कि मैं आपके पास रहता, मैं एक बहुत बड़ी बात सुन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मैंने ये बात सुनी,
कि अभी तुम्हारी मजलिस में जो आदमी आएगा वो अहले जन्नत में से है, और आप आए थे। इतनी बड़ी बशारत अल्लाह ने आपके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने गिरामी से, ज़बाने मुबारक से निकलवाई है। मैं चाहता था कि देखूं कि ये हजरत क्या करते हैं, तो मैंने देखा कि आप तो कुछ भी नहीं करते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इन सहाबा से जिनके बारे में ये चेकिंग कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं कि इनके अमल क्या है, वो खुद इनसे ज़्यादा अमल करने वाले हैं। उसके हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नेमल अब्दु अब्दुल्लाह, नेमल अब्दु अब्दुल्लाह लौ काना युसल्ली बिललैल। अब्दुल्ला बहुत अच्छा आदमी है अगर कभी ये रात को नमाज पढ़ा करे। इनके अपने गुलाम, इनके अपने साथी नाफे कहते हैं, वो दिन और अब्दुल्ला बिन उमर की मौत का दिन दरमियान में कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी। वो तो खुद इतने पाबंद हैं, उन्होंने देखा कि ये आदमी चाचा तो कुछ भी नहीं करता था, तो अल्लाह के नबी ने इतनी बड़ी शहादत दी। कहते हैं कि मुझे बताइए आप क्या करते हैं, जो मैंने देखा उसमें मुझे कोई ख़ास ऐसी इबादत बड़ी चीज़ नज़र नहीं आई। तो वो चाचा, वो सहाबी, वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो मैं करता हूँ तुमने देख लिया, मैं यही करता हूँ, कोई नया तीर नहीं मारता। अलबत्ता अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मेरे लिए इतनी बड़ी शहादत मिली है, तो शायद एक अमल वो है जो तुम देख नहीं पाए। और वो अमल क्या है? कहते हैं कि मैं जब रात को रोज़ाना सोने लगता हूँ तो मैं अच्छी तरह देखता हूँ, अपने ज़मीर को टटोलता हूँ, गिरेबान में झांकता हूँ कि मैं कोई किसी के ख़िलाफ़ अपने दिल में बुग़्ज़, कीना, नफ़रत और गुस्सा लेके तो नहीं सो रहा। मैं रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने दिल को साफ़ करके सोता हूँ। अगर किसी ने ज़्यादती की है माफ़ करके सोता हूँ। मैं किसी के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और नफ़रत लेकर नहीं सोता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि चाचा जान, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। अल्लाह वाले तो रोज़ रात को हिसाब करके सोते हैं, हम साल के बाद भी नहीं करते। रोज़ाना कीजिए कि आज दिन भर हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या नेक अमल कर पाए, क्या गुनाह किया, और कल हमने किस गुनाह से बचना है, कौन से नेक काम करने हैं। रोज़ाना हिसाब किया कीजिए, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए। मौत के आने का तो कोई पता नहीं ना, कौन कह सकता है यहाँ से हम निकलेंगे, कितने निकलेंगे, अपने घरों तक कितने पहुँचेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है। कब ये पानी की सतह पर बड़ी शान बान से तैरते हुए बुलबुले से हवा निकल जाए। पानी की सतह पर तैरता हुआ बुलबुला बड़ी शान से जा रहा होता, पानी हिल रहा है, बुलबुला ऊपर, ज़रा हवा का तेज़ झोंका आया, ना नाम ना निशान। इंसान की ज़िंदगी का बिल्कुल यही हाल है। ये बड़ी शान बान से दुनिया में बड़ी गर्दन अकड़ा के पाँव ज़मीन पे ठक ठक मार के चलता है, और समझता है कि मुझ जैसा दुनिया में कौन आए। इधर वो झोंका आता है, बुलबुल से हवा निकलती है, सारे कह रहे थे मिस्कीन मिस्कीन फौत हो गया। और जो आदमी सही हो अकीदा है वो बादशाह तक के मरने पर भी उसे फिर मिस्कीन शुमार करता है। मैंने अपने हाथों अपने सामने यूएई की एक स्टेट है उम्मुल कुवैन, मुझे वो वाकया आज भी याद है, आज से कमोबेश 30 साल की बात है। हाकिम उम्मुल कुवैन फौत हुआ, उसकी तदफीन में मैं भी साथ शरीक शामिल था, तो मैंने अपने कानों से सुना एक अरब बदू दफन कर रहे हैं, तो कहता है मिस्कीन शेख अहमद फी ज़िम्मतिल्लाह, शेख अहमद अल मुअल्ला जो हाकिम उम्मुल कुवैन है मरा, कहाँ कि अब कब्र में गया है, ये मिस्कीन है, अब ये अल्लाह के हवाले है। दुनिया में कोई कितने भी माल का मालिक है, कब्र में जाकर मिस्कीन है, अब अल्लाह के हवाले है, उसके साथ अल्लाह क्या सलूक करने वाला है, उसके अमल क्या हैं। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी अकड़ कर चल रहा है वो मिस्कीन है, वो मरकर मिस्कीन होने वाला है। और मिस्कीन रहना दुनिया के अंदर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है, हमें दुनिया में भी मिस्कीनी इख्तियार करनी चाहिए। ये ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें, पिछले जुम्मे में बात हो रही थी, खलक़ल मौत वल हयाता लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अच्छा अमल कौन करता है, बुरा अमल कौन करता है, अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा है।
इसलिए नहीं भेजा कि बिल्डिंगें बनाओ, बैलेंस जमा करो, ये करो वो करो, और ये सारा कुछ दीन को छोड़ कर करो। अगर दीन साथ साथ है, बिल्डिंगें बनाइए, कंपनियां बनाइए, मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो कुछ मर्जी जमा कीजिए, सब जाए, लेकिन दीन के साथ। और दीन को छोड़कर आपने कुछ अशआर सुने खुतबे में कि अगर दीन को छोड़कर सिर्फ कमाई ही करते चले जाएंगे तो ये तो हैवानों वाली जिंदगी, ये तो जानवर है। अपनी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी जानवर पूरा करता है या नहीं? उसको मालूम है कि मैं काम करूंगा मुझे मेरा मालिक चारा देगा। काम ही काम, जानवरों का काम, और इबादत ही इबादत, फरिश्तों का काम। अल्लाह ताला ने फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, ये वो मखलूक हैं जो मेरे किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। इबादत और इबादत और इबादत, ये फरिश्तों का काम। हमें अल्लाह ने दोनों काम दे दिए, मेहनत भी करना है, अपने पेट के लिए रोजी का मुहैया करना भी हमारा फर्ज है, अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। और इसके साथ ही जब जब अल्लाह के घर से आवाज आएगी हमें मस्जिद में भी जाना है, काम भी करना है, इबादत भी करना है। जब काम भी करेंगे इबादत भी करेंगे तो इन सबसे आला हो गया या नहीं? काम ही काम, जानवर का काम, इबादत ही इबादत, सिर्फ फरिश्तों का काम, और काम और इबादत इंसान का काम। इसी वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है, अगर वो इबादत करने वाला हो। हर रात हिसाब कीजिए, हर हफ्ते हिसाब कीजिए, हर महीने हिसाब कीजिए कि हमने क्या किया, किस पर जुल्म किया, किस पर ज्यादती की। ये शब रोज का आना जाना, ये हमारा अपने हाथों से लोगों को दफन करना, ये घड़ियाल का हर घंटे के बाद टक की आवाज देना, महीना साल तो दूर की बात है, घड़ी जब एक घंटे की आवाज देती है, अलार्म होता है, तो हमें यकीन कर लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी का एक घंटा कम हो गया। और ये शब रोज हमारे बाद लोग बुझारते बजाते हैं, और बाद बुझारतों में बड़ी इबरत होती है, लेकिन बाज में कहते हैं कि वो कौन से दो कीड़े हैं, काला है एक सफेद है, वो फलां चीज को खा रहा है। अगर इसको थोड़ा सा गौर करें तो रात काली है, दिन सफेद है, वो हमारी उम्र को खा रहे हैं। रोजाना रात खत्म होती है, हमारी उम्र के 12-13-14 घंटे गए, दिन खत्म होता है, 12-13-14 घंटे गए, ये दो चूहे हैं, जो दो कीड़े हैं जो हमारी उम्र को खा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी उम्र को कम कर रहे हैं। और फिर उम्र का कम का माना ये भी नहीं है कि हमें ज़रूर 100 साल जीना है और उसमें से कम कर रहे हैं। जितना किसी ने जीना है, ये रेलगाड़ी का सफ़र है मेरे भाई, रेलगाड़ी का सफ़र है। पाकिस्तान में एक इलाका रावलपिंडी इस्लामाबाद का इलाका, वहाँ से लेकर कराची तक का सफ़र, इंडिया में भी इसी तरह एक इलाके से लेकर दूसरे इलाके तक। अगर ट्रेन पे आदमी बैठता है, वो पहले स्टेशन से सवार होता है और आखिरी तक जाता है, वो अपनी आंखों के सामने देखता है, कोई 100 किलोमीटर पे उतर गया, कोई 150 पे, कोई 200 पे, कोई 400 पे, 1500-1600 किलोमीटर पाकिस्तान है कुल, एक तरफ 1500-1600 किलोमीटर पे जाके ट्रेन खाली हो जाती। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह है, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, बिल आखिर इस ज़मीन को अल्लाह ने खाली कर देना है। इस ज़मीन पर कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा, तो फिर हम किस मरते पर ये खुशियाँ इस अंदाज से मनाएं और इस अंदाज से रहें कि जैसे हमने आगे जाना ही नहीं। दुनिया को इस अंदाज से बसाना जो आर्जी और वक्ती चीज़ है, उसको इस अंदाज से हम बसा देते हैं